नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नोकिया की तरफ से एक छोटा सा स्मार्टफोन। दोस्तों, इसे आप स्मार्टफोन भी बोल सकते हो और कीपैड मोबाइल भी बोल सकते हो, क्योंकि आज मैं आपके सामने अनबॉक्स करने जा रहा हूँ नोकिया 3310 की, जो कि दोस्तों डुअल सिम वाला फ़ोन है और 2017-18 में लॉन्च हुआ था। बट अभी मैंने अपने लिए मंगाया है, तो आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। ये देखिए फ्लिपकार्ट का बॉक्स, क्योंकि मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और दोस्तों, मैंने इसे सिर्फ 450 रुपये में कैसे मंगाया है, जी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, जी है नोकिया 3310, ये देखिए डुअल सिम वाला, और मेरे पास इसका रेड कलर है। इसके अंदर दोस्तों और क्या है, देखिए जी का जी इसका इन्वॉइस है दोस्तों। देखिए इस पर रेड भी लगी हुई 589 कुछ। दोस्तों जी, इसको साइड रखता हूँ और आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी की हाईलाइट की बात करूँ, तो वैसे दोस्तों इस फोन में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बट इसमें कैमरे की बात करूँ तो इसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो दोस्तों काफ़ी छोटा सा कैमरा है। और बैटरी दोस्तों इसकी 1200 mAh समथिंग की है, जिसमें आप दोस्तों 3-4 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से ले सकते हो। अगर आप के कॉल वगैरह ज़्यादा आते हैं तो आपको 4-5 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा, 3-4 दिन का मिल जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों एक स्नैक गेम भी मिलता है, जो हमें पुराने वाले फ़ोन में मिलता था 3310 में, वही इसमें मिलता है। बट इसमें दोस्तों जो गेम है वो कुछ अलग क्वालिटी से दिया हुआ है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है दोस्तों मोबाइल, जिसके अंदर जिसके दोस्तों पीछे स्पीकर दिया हुआ है, ये LED फ्लैश है, और ये दोस्तों 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, और नीचे दोस्तों नोकिया की ब्रांडिंग दी हुई है। दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए। फिलहाल मैं इसको साइड में रखता हूँ और आपको बाकी इस बॉक्स के अंदर और क्या मिलता है वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है एक चार्जर, एक बैटरी मिलती है। दोस्तों बैटरी मैंने फ़ोन के अंदर पहले लगा दी थी। और जो मिलते हैं दोस्तों हमें ईयरफोन, दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है कि हमें इस फ़ोन के अंदर ईयरफोन भी देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों 3.5 mm जैक के साथ आते हैं। और इन दोस्तों ईयरफोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये हमें नोकिया की तरफ से मिलते हैं। जी है दोस्तों इसकी यूजर मैनुअल, जिसमें दोस्तों फ़ोन के बारे में लगा हुआ है कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हो, और इस फ़ोन के बारे में इसमें काफ़ी कुछ जानकारी दी गई है, जिसे आप पढ़ सकते हो। देखिए इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो और एक माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो 32 GB तक का। चलिए इसका को साइड में रखते हैं, मैं आपको मेन फोन की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए जी है वो मेन फ़ोन, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा फीलिंग आएगी बटन वाली। इसे मैं ऑन करता हूँ, फिर आपको इसके अंदर दिखाता हूँ इसके अंदर मैं क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए नोकिया वाला यहाँ पर लोगो बना हुआ आ चुका है ऑन करने पर ही। तो उसको मैंने इसे सेटअप पहले ही कर दिया था, बट इसका टाइमिंग वगैरह सेट नहीं किया था मैंने, इसीलिए ये डायरेक्ट ऑन हो चुका है। तो दोस्तों देखिए इसमें हमें काफ़ी कुछ मिलता है, यहाँ कॉल लोग है, कॉन्टैक्ट वगैरह, इसे गैलरी है, इसमें आप फोटो वगैरह खींचोगे वो आएंगे इसमें। इसमें दोस्तों आपको इंटरनेट चलाना है तो इसमें चलेगा आपका, ये ओपेरा मैंने दिया हुआ है, जो हमें पहले भी मिलता था नोकिया के मोबाइल में। और ये दोस्तों इसके मैसेज वाला बॉक्स, जो गेम है दोस्तों इसको ये आपको खेल के दिखाऊंगा, जिसका कैमरा है। पहले मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ, कैमरे की क्वालिटी कैसी है। ये देखिए दोस्तों मैंने अभी फ़ोटो क्लिक किया है, मैं आपको इसे जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके बारे में अभी समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों जी है दोस्तों एप्लीकेशन गेम डाउनलोड करने वाले, जिसके अंदर दोस्तों आप और भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और गेम भी डाउनलोड कर सकते हो। जो इसका म्यूजिक प्लेयर है दोस्तों, इसमें आप वेदर वगैरह देख सकते हो।
जिसका FM रेडियो है, और इसमें दोस्तों आप वीडियो वगैरह जो रिकॉर्डिंग करोगे या मेमोरी कार्ड द्वारा चलाओगे वो इसमें चला सकते हैं जी। इसकी सेटिंग है, और जी दोस्तों कैलेंडर है, सेटिंग देखते हैं सेटिंग में क्या मिलता है। तो दोस्तों देखिए आप कनेक्टिविटी, इसके अंदर आपको कनेक्टिविटी मिलती है। कनेक्टिविटी में दोस्तों आपको फ्लाइट मोड है और ब्लूटूथ भी मिलता है, जिसकी रिंगटोन वगैरह है। डिस्प्ले है इसकी, डिस्प्ले में दोस्तों आप वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हो। और दोस्त और कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है। एक हाथ में आप देखिए कितना छोटा लग रहा है हाथ के अंदर, इसे आप आसानी से सेकेंडरी फ़ोन की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि नोकिया दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन देता है कीपैड के मामले में। तो आप अगर एक ऐसा फ़ोन लेना चाहते हो जो कीपैड हो, सेकेंडरी फ़ोन यूज करना चाहते हो, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस फ़ोन को 455 रुपये में कैसे परचेज किया, तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एकदम लाइव। तो दोस्तों देखिए यह है फ्लिपकार्ट, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था इसे। देखिए इस फ्लिपकार्ट पर दोस्तों इस फ़ोन की रेट दी गई है 3860 रुपये रेड वाले वेरिएंट की। दोस्तों जब आप इसके व्यू प्लान पर जाओगे, यहाँ देखिए EMI मिल रही है आपको 188 रुपये मंथली, लेकिन इसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको मंगाया है अपने कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड से। तो इसमें दोस्तों मैंने इसको 9 महीने वाली EMI पे मंगाया है, जिसमें आपको सिर्फ 455 रुपये पे करने हैं हर मंथ। हर महीने आपको 455 रुपये देने हैं, और ये फ़ोन आपको आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो मैंने इसे कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड से मंगाया है, जिसमें दोस्तों मुझे सिर्फ 455 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे, जिसका दोस्तों मुझे पता भी नहीं लगेगा कि इस फ़ोन की प्राइस दोस्तों मैंने कब पे कर दी। तो इस तरीके से मैंने इसे अपने एड्रेस पर सिर्फ 450 रुपये के समथिंग मंगाया है। अगर आपके पास भी कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आप भी इसे इसी प्राइस पर मंगा सकते हो, और आप चाहो तो इसे कम से कम प्राइस पर ही मंगा सकते हो, जो है दोस्तों 188 रुपये। बट दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, जितना दोस्तों आप EMI ज़्यादा बनवाओगे उतना इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने इसे कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड द्वारा मंगाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको फ़ोन का ही पसंद आया होगा। वैसे तो दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है, नया वाला भी, लेकिन फिर भी मैंने अभी मंगाया है तो सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।